कि असल में ये हमें 74 साल पहले ये प्रोग्राम शुरू करना चाहिए था। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हमारे में हमने एक बड़ी 74 साल पहले बहुत बड़ी गलती की, और मैं आपको बताता हूँ गलती क्या है। हम ये समझते थे कि एक वक्त पे हमारा मुल्क खुशहाल हो जाए, हमारे पास इतना पैसा आ जाए, उसके बाद हम फिर एक पाकिस्तान को फैलाई रियासत बनाएं। और ये जो सोच है ना कि पहले पैसा इकट्ठा होगा, पहले मुल्क में सरप्लस होगा, हमारे पास पैसा होगा, फिर वो हम गरीबों की तरफ लगाएंगे, मैं ये समझता हूँ कि फंडामेंटली गलत फैसले थे। देखिए, मदीना की रियासत की मैं क्यों बात करता हूँ, क्योंकि वो दुनिया की तारीख का सबसे कामयाब मॉडल था, और मॉडल की कामयाबी होती है जो उसके रिजल्ट्स देते हैं। तो वो जो फिनोमेना हुआ था मदीना की रियासत के बाद, ये एक तारीख का हिस्सा है, ये कोई फैंटेसी नहीं है या ये कोई मिथोलॉजी नहीं है, ये फैक्ट्स और फिगर्स हैं हिस्टोरिकल, कि एक सिविलाइजेशन जिसकी हैसियत नहीं थी वो एकदम राइज किया और उसने दुनिया की इमामत की, और हजार साल तक दुनिया का प्रीमियर सिविलाइजेशन रहा। तो मदीना की रियासत क्यों अल्लाह हमें कहता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चलो, उनकी शरिया पे चलो, क्यों कहता है? हमारी बेहतरी के लिए कहता है। यह हमें गलत फहमी है कि हम अल्लाह को कोई फायदा पहुंचा सकते हैं, तो वो इसलिए हमें कहता है कि अगर आप उनके कैरेक्टर को फॉलो करेंगे तो कि इंसान का कैरेक्टर ऊपर चला जाएगा और वो एक अजीम इंसान बन जाएगा, और अगर आप उनकी जो उन्होंने रियासत बनाई थी उसके असूलों पर चलेंगे आपकी रियासत उठ जाएगी। मेरा ये ईमान है कि जो मदीना की रियासत में तो हुआ था, पहले उन्होंने फलाई रियासत बनाई थी, फिर खुशहाली आई थी। ये बिल्कुल गलत हमें ख्याल है कि जो पहले पैसा आया था और फिर उन्होंने सारा निचले तबके को, जो पहली दुनिया की तारीख की एक वेलफेयर स्टेट बनी थी, वो वेलफेयर स्टेट बाद पहले बनी थी, फिर खुशहाली आई थी। क्योंकि अल्लाह की बरकत आती है, जो हम अल्लाह में मानते हैं उसकी बरकत आती है, उसकी जब वो खुश होता है कि आप उसकी इंसानियत के लिए कुछ करते हैं तो ऊपर से फिर वो आपकी मदद करता है। क्योंकि इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि देखते देखते दो सुपर पावर्स के बीच में एक कौम जिसकी हैसियत ही कुछ नहीं थी और डिवाइडेड थी ट्राइब्स के अंदर, वो एकदम उठ गई और दोनों सुपर पावर्स उसके सामने कोलैप्स कर गए और वो दुनिया की टॉप सिविलाइजेशन बन गया। तो उसमें सबसे बड़ी चीज है इंसानियत। जिस कौम में इंसानियत होती है अल्लाह की बरकत आती है उसके ऊपर, और साथ साथ उसके इंसाफ, ये दोनों अल्लाह के हुक्म है, इंसाफ और इंसानियत, ये बेसिस है एक सिविलाइज सिविलाइजेशन का। अब आप दो कौमें देख लें, एक ही जितनी आबादी दोनों की, एक तरफ हिंदुस्तान दूसरी तरफ चाइना, 35 साल पहले देख लें, 40 साल पहले तकरीबन एक ही साथ थे दोनों। आप उनके सोशल इंडिकेटर्स देख लें, तकरीबन साथ साथ थे वो। आज चाइना आसमान पर पहुंच गया है और हिंदुस्तान में वही एक जजीरा है बहुत अमीर लोगों का और नीचे गुर्बत है। चाइना ने वो जो हम चाहते हैं, चाइना ने वो असल में मदीना का मॉडल फॉलो किया, उन्होंने नीचे से तबके को ऊपर उठाया। और हम चाइना जब गया तो उन्होंने बाकायदा बताया क्या स्टेप्स लिए गए कि उन्होंने अपने निचली तबके को क्या किस तरह ऊपर उठाया, कैसे पॉवर्टी एलिविएशन में किया, और फिर कैसे उन्होंने उन लोगों को बाकायदा प्रोग्राम्स बना के 10 साल 15 साल 20 साल के प्रोग्राम्स बना के उन्होंने अपने निचले तबके को ऊपर उठाया, और वो चीज़ की जो दुनिया की तारीख में कभी किसी ने नहीं की, यानी जिन नंबर्स में उन्होंने गुर्बत लोगों से गुर्बत से निकाला। और फिर अभी शी जिनपिंग ने अनाउंस किया कि हमने एक्सट्रीम पॉवर्टी खत्म कर दी। तो आप वही देख लें कि हिंदुस्तान आज किधर है और वो चाइना किधर पहुंच गया है। सो हमारा जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हमने इस कॉम में जो हमें अडॉप्ट करने चाहिए थे, जब हमने एक बहुत बड़ा, हमारे फाउंडिंग फादर्स ने कहा कि ये मिसाली इस्लामी फलाई रियासत बनेगी,
ये जो फैसला था उसके ऊपर कभी अमल ही नहीं हुआ और एक एलिटिस्ट सिस्टम बन गया। जो आप और चीजें छोड़ दें, तालीम का निजाम ले लें, ये कितनी बड़ी एक मुल्क की बदकिस्मती है कि एक छोटे से तबके को आप इंग्लिश मीडियम पढ़ा दें और वो नौकरियां उनको दिलवा दें, बाकी जो आपकी आवाम है वो बेचारी ऊपर ही नहीं आ सकती। एजुकेशन अपार्टहाइड, क्या आप एक तबके के लिए एक तालीम, दूसरों के लिए नीचे, और फिर एक दीनी मदरसे चल रहे हैं। कभी किसी ने कोशिश नहीं की इसको सिंथेसाइज करने के लिए कि एक मुल्क है, एक कौम है, उसका कोर सिलेबस तो एक हो। लेकिन क्योंकि हमारी तरह की एलीट फायदा उठा रही थी उससे, हमारे बच्चों को अच्छी नौकरियां मिल रही थी, हमें कोई इंसेंटिव नहीं था कि चेंज करें सिस्टम, क्योंकि नीचे जो, और फिर नीचे से जो ऊपर आता था, जो लोग उर्दू मीडियम से पढ़ के इवेंचुअली अपनी जिंदगी बेहतर कर ली, वो अपने बच्चे इंग्लिश मीडियम में भेज देते थे, उनको भी जब वो पार्लियामेंट में भी आ जाते थे, वो उधर पहुंच जाते थे जिधर वो फैसले कर सकते थे, तब भी उन्होंने वो सिस्टम नहीं चेंज किया, क्योंकि वो फिर बेनिफिशरी बन गए इस एलिटिस सिस्टम के। और इसलिए मैं शफकत आपको खास तौर पर ये खराज तहसीन पेश करता हूं, जो पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में हमने अब ये बड़ा मुश्किल अटेम्प्ट किया चेंज करने का, ये सिस्टम कि हमने एक कोर्स सिलेबस एक बनाया, और कितनी आवाजें आ रही हैं इसको ऑब्जेक्ट करने के लिए। शर्म नहीं आती इन लोगों को कि आपको पता है कि नाइंसाफी का सिस्टम है, उसके बाद भी कमेंट कर रहे हैं जी पीछे लेके जा रहे हैं लोगों को, यानी कि समझ नहीं आए कि पीछे कैसे जा रहे हैं। अगर आप सारों को लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे कि वो भी अंग्रेजी सीखे तो पीछे कैसे जा रहे हैं। दूसरी चीज जो शौकत ने बात की कि हमारा जो सिस्टम बन चुका है वो सारा एलीट के लिए बन चुका है। कर्जे हैं तो पैसे वाले लोगों के लिए, घर बनाएंगे तो पैसे वाले लोगों में होनी चाहिए, तालीम पैसे वाले, इंसाफ का निजाम सिर्फ पैसे वाले लोगों के लिए। गरीब आदमी और एक ताकतवर का मुकाबला हो जाए अदालत में, वो कभी गरीब जीत ही नहीं सकता, उसको इंसाफ ही नहीं मिल सकता। सो सारा सिस्टम केटर करता है छोटे से लोगों को, ये कभी माशरा ऊपर नहीं जा सकता। जब तक हम फंडामेंटली हमारा माइंडसेट चेंज नहीं होता, माशरा ऊपर नहीं जा सकता। मैं बड़ा सोचता था कि 1700s में, 1700 में हिंदुस्तान का जो जीडीपी था वो 24% था दुनिया का, तो मैं सोचता था कि ये कैसे पीछे रह गया। तो एक बर्नियर है जो कि जो 1650s में जो शाहजहान के कोर्ट में जाता है और वो फिजिशियन बन जाता है वहां, तो उसकी डायरीज है कि वो कोर्ट की लाइफ क्या थी, तो उसमें बड़ी जबरदस्त इंसाइट मिलती है कि हम क्यों पीछे चले गए। उस वक्त सुपर पावर थे मुगल, दुनिया की सुपर पावर माने जाते थे वो, तो वो जब वो डिस्क्राइब करता है वहां की दुनिया और फिर वो कंपेयर करता है कि फ्रांस में क्या हो रहा है और वो फ्रांस में क्या हालात थे और उधर क्या हालात थे हिंदुस्तान में, तो पहले तो वो बादशाह का बताता है कि उसके पास जिस तरह के जो वसाइल थे, पैसे थे, हीरे, ज्वेलरी, सब कुछ, कहता वो मुकाबला ही नहीं कर सकता था फ्रांस से, उनका बादशाह, यानी जिस तरह की वो अमीरी थी, उसके बादशाह, मुगल बादशाह, फिर उसके प्रिंसेस थे, फिर उनका सारा। लेकिन उसने जो असल बात की, उसने कहा जब मैं दिल्ली में जाता था और मैं उसको कंपेयर करता था पेरिस से, तो पेरिस में जब आप सड़क पे फिरते थे तो 7 ऐसे लोग होते थे जिनके कपड़े अच्छे होते थे और 3 होते थे जो कि गरीब होते थे। लेकिन कहता जब मैं दिल्ली की सड़क में फिरता था तो 6 ऐसे लोग होते थे जिनके कपड़े फटे हुए और जो गरीब होते थे, और सिर्फ 3 या 4 होते थे जिनके अच्छे कपड़े थे। तो बेसिकली जब एक इनइक्वालिटी होती है सोसाइटी में, ये बेसिस होता है उसका नीचे जाने का। कोई भी माशरा नहीं कामयाब हो सकता जिधर एक अमीरों का एक जजीरे हो और गरीबों का समंदर हो, कोई माशरा नहीं कामयाब हो सकता। तो हमारी क्या कोशिश है, वो अपना जरा माइंडसेट और मुल्क की प्रायोरिटीज चेंज करें कि ये जो नीचे तबका है जिसके लिए ना हम
आपको पता है कोई घर ही बेचारे नहीं बना सकते, कोई सिस्टम ही नहीं था लोन देने का। गरीब को, गरीबों को तो छोड़ें, जो हमारी प्रोफेशनल क्लासेस हैं, गरीब जो हमारे लोअर मिडिल क्लासेस हैं, जो मिडिल क्लासेस हैं, वो भी घर नहीं बना। कैश है तो घर बनाओ, या कोई सिस्टम ही नहीं था हाउस फाइनेंसिंग का। और फिर जब हमने ये किया और बड़ी मुश्किलों से, ये बड़ी देर लगी रुकावटें दूर करते करते कि क्यों नहीं फाइनेंस जा रहा नीचे, तो हमने फिर रियलाइज किया फाइनली जब तैयार भी हो गया सिस्टम, हमने कानून भी, वो फोरक्लोजर लॉ का जो कानून था, वो जो फंसा हुआ था बड़ी देर से, वो भी किसी ने कोशिश नहीं की उसको वो स्टे ऑर्डर खत्म करने के लिए। तो जब हो भी गया, फिर भी जो हमारे बैंक्स थे उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही, उनकी ट्रेनिंग ही नहीं थी छोटे लोगों को कर्जे देने के लिए, तो वो छोटे लोगों को कर्जे नहीं मिलते थे। हमने फिर जब रिव्यू करते थे, तो इसलिए ये बड़ा जबरदस्त आइडिया, और शौकतरीन आपकी इसलिए क्योंकि बैंकिंग में आपका एक्सपीरियंस था, तो इसलिए फिर ये जो माइक्रो फाइनेंस की तरफ आए, और जिस तरह कुवत का बड़ा जबरदस्त उनकी तजर्बा और एक्सपीरियंस है, तो बजाय हमने रियलाइज किया कि बैंक्स जब तक सीखेंगे छोटे लोगों को कर्जे देने में, तब तक तो हमारे 5 साल भी पूरे हो जाएंगे। तब हमने फिर सोचा कि हम माइक्रो फाइनेंस कंपनीज को लेके आए, जो शौकत तरीन का आइडिया था। और अब इंशाल्लाह ये जो कामयाब पाकिस्तान है, ये एक लैंडमार्क पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसा प्रोग्राम ये शुरू कर रहे हैं हम, जो मैं समझता हूँ कि खैर कामयाबी तो अल्लाह देता है, कोशिश इंसान की है, कि मैं ये समझता हूँ कि जब आप उस तरफ लग जाएं जिधर आम आदमी की जिंदगी आप बेहतर करें, जिधर गरीब आदमी की दुआएं लगें, तो उसी माशरे में अल्लाह की बरकत आती है। मैं सिर्फ अपना तजर्बा आपको शौकत हनम का बता दूं कि हमने जब मेरा सिर्फ शौकत खानम बनाने का सिर्फ मकसद एक था कि गरीब आदमी छोड़ें, 95% 90% पाकिस्तानी कैंसर का इलाज नहीं करवा सकते क्योंकि सबसे महंगा इलाज है। तो वो मैंने तब सोचा कि गरीब आदमी, अगर हम पैसे वाले लोगों के लिए इतना महंगा इलाज है तो गरीब आदमी के लिए तो इम्पॉसिबल है। तो शौकत हनम का बेसिस वो था। अब ये सोचें कि जब वो हॉस्पिटल बना तो हमें सब ने कहा कि गरीब का एक पहले ही बड़ा मुश्किल होता है, कैंसर हॉस्पिटल के जो एक्सपेंसेस, जो चलाना, उसका रनिंग कॉस्ट सबसे ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप गरीब का मुफ्त इलाज करेंगे तो हॉस्पिटल चलेगा ही नहीं। तो हमारे जो बाहर से भी एडवाइस, अपने बाहर से एडमिनिस्ट्रेटर मंगवाया, उसने भी ये कहा कि अगर आपने 5% से ज़्यादा लोगों का मुफ्त इलाज किया, बंद हो जाएगा हॉस्पिटल। और वो फिर हॉस्पिटल ने मेरा ये जो ईमान पक्का किया कि जब आप गरीब के लिए, और हम खड़े रहे, हमने वही किया कि 70% का मुफ्त इलाज होगा। तो ये दुनिया में कोई एक प्राइवेट कैंसर हॉस्पिटल नहीं जो 70% मरीजों का मुफ्त इलाज करता है, कोई नहीं है दुनिया में ऐसा। और जब हमने किया तो जो ये, मैं सिर्फ आपको फिगर देना चाहता हूं कि जो 70 करोड़ में हॉस्पिटल बनता है, वो आज गरीबों का 9 अरब रुपए का मुफ्त इलाज होता है हर साल, 9 अरब रुपए का। लेकिन हर साल पिछले साल से ज्यादा पैसा आ जाता है, यानी यही कौम पैसे देती है। जो 70 करोड़ का हॉस्पिटल था जिसने कहा चलेगा ही नहीं अगर आपने 5% से ज्यादा किया, वहां 70 से भी 75% का मुफ्त इलाज होता है, लेकिन हर साल पिछले साल से पैसा ज्यादा आता है। तो अगर मैं ये कहूं कि मैं कोई दुनिया का मार्केटिंग जीनियस हूं कि ये मैं किधर से पैसे लिया, ये नहीं है, ये अल्लाह की बरकत आती है, गरीब की आवाज सुनता है, उसकी तकलीफ में उसकी दुआएं सुनता है। और ये हमने फंडामेंटल गलती की है पाकिस्तान में, हमने ये कभी सोचा ही नहीं कि वो जो लोग जो नीचे तबका पीछे रह गया है उसके लिए हमने क्या करना है। हमारी सारी सोसाइटी केटर नहीं करती उन लोगों के लिए, हमारी ये मुल्क में सबसे ज्यादा जेनरोसिटी है, ये सबसे ज्यादा खैरात देता है मुल्क, लोग देते हैं। लेकिन गवर्नमेंट जिसको लीड करना चाहिए था, वो सारे सिस्टम्स ही बन चुके हैं एलीट के लिए। सब कुछ पाकिस्तान में हमारा सारा सिस्टम सिर्फ एक छोटे से एलीट को केटर करता है।
और जब आप ये चेंज लेके आते हैं तो बड़ी रेजिस्टेंस आ जाती है इसके ऊपर। तो ये मैं तो सरप्राइज नहीं हूं कि इन्होंने बड़ा कहा आपको कि जी ये नहीं हो सकता। हमेशा जब आप ये चीज करेंगे तो लोग कहेंगे ये नहीं हो सकता। ये इंशाल्लाह ये बड़ी मेहनत से आप तक यहां पहुंचे हैं, इंशाल्लाह ये कामयाबी से चलेगा। आपको प्रॉब्लम्स आएंगे, आपके पास पूरी एक कमेटी मॉनिटरिंग करने के लिए बैठी होनी चाहिए जो कॉन्स्टेंटली इवेल्युएट करेगी किस तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। प्रॉब्लम्स आएंगे आपको, लेकिन आपको इसमें बहुत अल्लाह की बरकत आएगी जिसकी वजह से ये कामयाब होगा। मैं सिर्फ ये कह दूं कि इस वक्त जब लोगों को मुश्किल है और महंगाई की वजह से हमें पता है कि नीचे लोगों को तकलीफ है, लेकिन मैं लोगों को सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि गवर्नमेंट अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि निचले तबके को हमारी तकलीफ ना हो इस टाइम पे जबकि चीजें महंगी हैं। तो मैं सिर्फ ये बता दूं कि दुनिया में तेल की कीमत पिछले चंद महीनों में 100% बढ़ी है, पाकिस्तान में हमने सिर्फ 22% बढ़ाई है। इस वक्त पाकिस्तान स्वाय वो मुल्क जो 19 मुल्क हैं जिधर तेल खुद उसी यानी जो उधर से तेल निकलता है जिनको इंपोर्ट नहीं करना पड़ता, स्वाय उनके अलावा पाकिस्तान में इस वक्त सबसे कम कीमत पे हम डीजल और पेट्रोल बेच रहे हैं क्योंकि हमने सिर्फ 22% बढ़ाए हैं। गंदम 37% दुनिया में इसकी कीमत बढ़ी है। ये जो सारा क्रंच आया है कोविड की वजह से दुनिया में जब सप्लाई लाइंस इफेक्ट हुई हैं तो इस वक्त 37%, पाकिस्तान में हमने सिर्फ 12% बढ़ाई है। चीनी दुनिया में 40% इसकी कीमत ऊपर गई है, पाकिस्तान में हमने सिर्फ 21% बढ़ाई है। और ये वो मुल्क जो कि पहले हमें काफी प्रेशर हमारे ऊपर फिस्कल डेफिसिट के, और आपको पता है कि जो मुल्क में हमारे डेफिसिट्स हैं और जो कर्जे चढ़े हुए हैं, उसके बावजूद हमने अपनी तरफ से पूरे कम से कम इम्पैक्ट डाला है निचले लोगों के ऊपर। मैं सिर्फ आपको ये बता दूं कि हमने सेल्स टैक्स और पेट्रोलियम की जो लेवी है अगर हम उसको ना नीचे ना लेके आते, क्योंकि हमारा इसलिए सस्ता है हमारा क्योंकि हमने सेल्स टैक्स भी पूरा नीचे लाए हैं पेट्रोल पे और डीजल पे और लेवी भी नीचे ले आए हैं। अगर हम ये ना नीचे लेके आते तो एक साल में गवर्नमेंट को 400 अरब रुपए का फायदा था। तो हमने ये नीचे ला के जो हिंदुस्तान में इस वक्त दुगना है हमारे से पेट्रोल और डीजल, तो वो क्यों दुगना है क्योंकि उन्होंने अपनी लेवीज नहीं कम की। तो हमें एक साल में 400 अरब रुपए का हमें नुकसान किया सिर्फ ताकि लोगों के ऊपर बोझ ना पड़े। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये बड़ा ये जाहिर है लोगों को तकलीफ है कि कीमतें बढ़ गई, हमें पता सबको, लेकिन हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि निचले तबके के ऊपर कम से कम इम्पैक्ट जाए। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम एहसास का अपना टारगेटेड सब्सिडीज का प्रोग्राम लेके आ रहे हैं और इससे हम निचले हाउस होल्ड्स को 40% निचले हाउस होल्ड्स को डायरेक्ट सब्सिडी देंगे उनको यही कमोडिटीज गंदम के ऊपर और आटे के ऊपर और चीनी के ऊपर और ये जो घी दुनिया के अंदर जो हम इंपोर्ट करते हैं तकरीबन हमारा 75% इंपोर्ट होता है, जो पाम ऑयल की कीमत वो तकरीबन 80% बढ़ गई है। तो वो जो अगर यहां ऊपर गया तो क्योंकि इंपोर्ट कर बेसिकली इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है। 40 लाख टन हमने पिछले साल गंदम इंपोर्ट की है, तो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन की वजह से इस वक्त महंगाई है। हम ये समझते हैं कि एक तो हम टारगेटेड सब्सिडी से डील करेंगे, दूसरा आने वाले दिनों में ये जब सप्लाई का ये जो प्रॉब्लम्स कम होंगे तो इंशाल्लाह कमोडिटी की कीमत दुनिया में जब नीचे आएंगी तो फिर भी हमारे मुल्क में भी नीचे आ जाएगी। फिर से मैं आप सबको शौकत आपकी सारी टीम को जितने भी आपने ये जो कंसल्टेशंस करके यहाँ तक पहुँचे हैं मैं उन सबको आज खराज तहसीन पेश करता हूँ।